तो उन्होंने जब उन्होंने अपने पानी को देखा तो मेरे पानी नहीं खाना पाना भाई ज़बरदस्त। अभी इसमें ग्रामी क्या है जनाब का? हरमिंदर सिंह। हरमिंदर सिंह साहब, अभी हमें बड़ी तफसील से इस गुरुद्वारे के बारे में, जो बड़े मुतबर्रिक मुकाम है, बहुत खूबसूरत जगह है और सफाई और हर चीज़ और रूहानियत, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे जितने मुकामात होते हैं वहाँ रूहानियत हुआ करती है। मसलक का मसला नहीं है, कोई मसलक का मसला नहीं है, ज़िंदगी और ख़ूबसूरती और रूह कहाँ पर, वो यहाँ हम देख रहे हैं। देखिए एक ये चश्मा अल्लाह के फजल से और इन हस्तियों की वजह से यहाँ पर जारी व सारी है कई सौ साल से, और देखिए इसमें कितनी खूबसूरत मछलियाँ मौजूद हैं, और दिखाइए ज़रा हमारे जी। मेरे साथ इस वक्त हरमिंदर सिंह साहब हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं गुरुद्वारा पंजा साहब। बड़ी एक हसरत थी हमें इस गुरुद्वारे की अंदर, गुरुद्वारे को अंदर से देखने की। दूसरी बात ये थी कि एक बड़ी वो थी कि एक पूरा रूहानी यहाँ सिलसिला है और एक सिख मज़हब का, और ये मरकज़ है, उनकी बहुत बड़ी इबादतगाह है, उनकी बहुत मुतबर्रिक जगह है, और जिस तालाब के किनारे से हम बैठे हुए हैं, ये इसके बारे में अभी हरमिंदर सिंह साहब ने बताया कि इसकी इसका पस मंज़र क्या है और ये किस तरह से चश्मा वजूद में आया और कई साल से, कई सौ साल से इसी तरह से जारी है, और इस चश्मे के अंदर ये आता है। और जब उनकी वफात हुई तो मुसलमान हीरा सिंह ये वाला काम, लकड़ी बकरी का काम करते थे और रावलपिंडी में रहते थे। ये 1925 की कैमलपुर के आज साहिवाल कहलाता है, इसी तरह से ये हम इस वक्त गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अफजाल में मौजूद हैं और भाई हरमिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। और वाह 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 क्या बात है। कैसे हमारे दोस्त जी बलबीर सिंह हो रही, वो बड़े अच्छे राइटर जी, उर्दू लिखते जे माशाल्लाह, वो साड़ी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते जे, तो अब जल्द आप आना सी वाह कहण की तकरीब तो बाद इस पास, तो मैं उन्होंने रबता किया कि भाई जी क्योंकि लाजमी उत्थे हाजिरी देनी है, असं मत्था टेकना। हरमिंदर सिंह सानू जो रसम अदाल के कारोबारी शख्सियत जी साढ़े दोस्त जी और साढ़े दोस्त बलबीर सिंह दोस्त जी, इसी आ जाए सरदार सरी पंजा सरी पंजा सर हसन अफजाल गुरुद्वारा के अंदर, तो इतने के बारे मशहूर है कि जी बिल्कुल वो मुतबर्रिक पत्थर है। हाँ जी, इसको असल में पंजा साहब कहा जाता है, जिन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग की। हाँ जी, चट्टान के ऊपर, चट्टान के ऊपर वो उनके हाथ का पंजे का पूरा निशान है। हाँ जी, और ये ऊपर एक जगह है, एक रास्ता इधर नीचे भी जाता है इसके, वो किस लिए है जी? वो कोई गुस्ल के लिए जो होती है इधर वो सर करती, जो जेंट्स होते हैं बाहर आप लोगों ने बाहर बिल्कुल सही करते। बहुत अच्छा, ये मछलियाँ जो यहाँ, बस आखिरी एक छोटी सी बात अगर आप जाहिर महमूद साहब इजाज़त दें। अरे अरे अस्तगफिर अल्लाह, मछलियाँ बड़ी सेहतमंद, खूबसूरत और खुश शक्ल,
بڑی خوبصورت اور دس بستہ کھڑی ہیں اور دس بستہ کھڑی ہیں مجھے ایسے لگا کہ وہ آ کر پنجا صاحب کو ایسے سلام کرتی ہیں پلٹ کے جاتی ہیں بالکل اور ایسا بھی ہے کہ جو ایک دم اندر نہیں گھس جاتی یہ جانور کی تو خاص وہ مچھلی جو میرے سامنے آئی تھی جس کی میں نے ویڈیو بھی ابھی ابھی ناظرین کو دکھائی ہے وہ مچھلی پنجا صاحب کے سامنے آتی ہے رکتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے پھر رکتی ہے پھر وہ نیچے سے آتی ہے